शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में गद्दी छोड़कर निकलने के बाद शेख हसीना ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेंगी और ये उन्हें मिल भी जाएगी, लेकिन समय बीतने के साथ लगने लगा कि शायद यूनाइटेड किंगडम में उन्हें शरण मिलना आसान नहीं है। वो भारत में ज्यादा रुक नहीं सकती, लिहाजा उनके लिए अन्य देशों में राजनीतिक शरण हासिल करने की कोशिशें अब तेज होने लगी हैं। 5 ऐसे देश हैं जहां उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि ये उतना आसान नहीं है क्योंकि हर देश के साथ कोई ना कोई पेच फंस रहा है। सबसे पहले रूस, क्या वो रूस जाएंगी? शेख हसीना के रूस के साथ मजबूत संबंध है जिससे लगता है कि कोशिश करने पर वो वहां पर जा भी सकती हैं, लेकिन रूस जाने से उन्हें कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं जो भविष्य में उनके लिए मुश्किल पैदा करेंगी। उनका बेटा जो है अमेरिका में रहता है, रिश्तेदार यूनाइटेड किंगडम से लेकर फिनलैंड तक रहते हैं। रूस में रहने पर वो सभी से कट जाएंगी, ना तो फिर वो इन जगहों पर जा सकती हैं और ना कोई उनके पास आ पाएगा क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। बेलारूस का जिक्र करते हैं, यह भी एक विकल्प है। हसीना शरण के लिए जिन देशों पर विचार कर रही हैं उनमें बेलारूस भी शामिल है। वो वास्तव में बेलारूस को शरण के लिए एक संभावित गंतव्य के रूप में मान रही हैं। और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत में अपने संक्षिप्त प्रवास के बाद वो बेलारूस जा सकती हैं जहां उनका भतीजा रहता है। ये विकल्प तब सामने आया जब ब्रिटेन ने शरण देने से इच्छा पर विराम लगा दिया। कतर की बात करते हैं, यहां भी वो जा सकती हैं। कतर ने बांग्लादेश के साथ अच्छे राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं जो हसीना के लिए एक आसान शरण प्रक्रिया की सुविधा प्रदान कर सकता है। फिर राजनीतिक हस्तियों को शरण देने का कतर का इतिहास भी रहा है जो इससे हसीना के लिए एक सही विकल्प भी बनता है। मध्य पूर्व में होने के कारण कतर बांग्लादेश के अपेक्षाकृत करीब है जो हसीना की सुरक्षा और रसद के लिए एक विचार हो सकता है। तो वहीं सऊदी अरब पर भी विचार कर रही हैं हसीना। संयुक्त अरब अमीरात से आ रही रिपोर्टों के संकेत मिल रहा है कि शेख हसीना वहां शरण लेने की संभावना को लेकर यूएई सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं। यूएई ने भी ऐतिहासिक रूप से कई राजनीतिक हस्तियों को पहले राजनीतिक शरण दी है जिससे ये हसीना के लिए एक विकल्प बन चुका है। हालांकि सऊदी अरब में शरण के बारे में चर्चा अभी शुरुआती चरण में है, आगे इस बारे में कोई खबर नहीं आई है। फिनलैंड भी हो सकता है, आखिर यहां पर वो क्यों जाना चाहते हैं? हसीना के फिनलैंड में पारिवारिक रिश्ते हैं, उनके कई रिश्तेदार वहां हैं, ये कनेक्शन यूरोप में उसके शरण आवेदन को सुविधाजनक भी बना सकता है। दूसरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक रह रहे अपने करीबियों से वो यहां आसानी से मिल सकती हैं। बेटा बेटी और रिश्तेदार भी वहां पर आ जा सकते हैं। आखिर राजनीतिक शरण होती क्या है? राजनीतिक शरण से तात्पर्य किसी देश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा से जो अपने राजनीतिक विश्वासों या गतिविधियों के कारण उत्पीड़न या उत्पीड़न के भय से अपने देश से भाग गए हों। मान लीजिए भारत का कोई नागरिक किन्हीं वजहों से अपने आप को देश में सेफ महसूस नहीं करता, वो किसी और देश से उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन से शरण देने की अपील करता है और ब्रिटेन अगर उसे अपने यहां रहने की इजाजत देता है तो इस तरह की दी गई पनाह जो है पॉलिटिकल असाइलम या राजनीतिक शरण कहलाएगी। दुनिया भर में राजनयिक लेखक, आंदोलनकारी और राष्ट्र प्रमुख अक्सर इस तरह की राजनीतिक शरण दूसरे देशों में लेते रहते हैं।